नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग सिक्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सिक्स क्लास में वापस से स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी को, क्योंकि हर सब्जेक्ट की माँ ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, फिर आगे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने में आसानी रहती है। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे पहले एक बात कहूँगा कि जिन सोर्सेज का मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, उन सोर्सेज को काफ़ी, अगर कोई बड़ा इंसान इस लेक्चर को देखता है तो उसे लगेगा कि बड़ी कॉमन सी बात है, लेकिन क्योंकि सिक्स क्लास सेवन क्लास के बच्चे इस टाइप की चीज़ों को नहीं जानते हैं, ना देखे हुए होंगे, या शायद बहुत से लोगों ने देखा हुआ भी होगा। तो मेरा मानना ये है कि इस चैप्टर से के साथ लिंक करके और जिन सोर्सेज को मैं यूज़ कर रहा हूँ उन सोर्सेज को मैं दिखाने की पूरी पूरी अपनी 100% कोशिश करूँ। तो पहले एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर है, जिसका नाम है पृथ्वी में सौरमंडल में पृथ्वी या फिर पृथ्वी हमारा परिवार। इस टाइप से अभी चैप्टर ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार, क्योंकि हम सौरमंडल सोलर सिस्टम को देखना चाह रहे हैं, तो एक बार गैलेक्सीज को देख लें कि हमारी जो खुद की गैलेक्सी है मिल्की वे, क्या उसके आसपास भी कोई और गैलेक्सी है? तो एक बार इसको देख लेते हैं ना। अब इसमें बात यह है कि दो गैलेक्सीज हैं, एक मिल्की वे, एक एंड्रोमेडा, और भी इसके अलावा ट्राइंगुलम गैलेक्सी भी थी। तो दोनों में कोलाइजन दिखाया गया है इन फ्यूचर। जैसा कहा जाता है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों एक समय बाद एक दूसरे से कोलाइज होगी, और कोलाइड होने के बाद दोनों एक ही हो जाएगी। है नीचे टाइम भी चल रहा है, इसमें टाइम भी दिखाया जा रहा था कि इतने टाइम बाद ऐसा हो जाएगा। तो ये तो रही एक गैलेक्सी का सिंपल फंडा, गैलेक्सीज कैसे एक दूसरे से लड़ती झगड़ती है ये। ठीक है, अब आते हैं वापस चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अब इस सौरमंडल में पृथ्वी, इस चैप्टर में कुछ डिटेल दे रखी है पढ़ने के लिए कि कैसे आप सन को पहचान सकते हैं, कैसे सोलर सिस्टम को पहचान सकते हैं, कैसे सोलर सिस्टम को देख सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ये कही गई कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। भाई वो सभी चीज़ें, चाहे उसमें चंद्रमा हो, चाहे फिर पृथ्वी हो, अगर बाहर से देखें तो मंगल हो, सूर्य हो, या और कोई तारा हो, जिसकी जो भी चमकदार चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, उन सबको इन्होंने खगोलीय पिंड बोला है कि वो कोई ना कोई चीज़ है, सभी खगोलीय पिंड है। अब इसमें बताया कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, सूर्य भी एक तारा है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं कि सूर्य भी एक तारा है, ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें जो चमक रही है, जिनका खुद का सेल्फ एनर्जी सोर्सेज हैं, वो सारे के सारे कोई ना कोई स्टार है, कोई ना कोई तारा है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बातें ठीक है। अब इसके बाद ये एक तारा समझाने के लिए कि तारा क्या चीज़ है, ध्रुव तारा, ये सब कुछ बता रखा है। पर इसको देखने से पहले एक बार हम वापस से सोलर सिस्टम को देख लें कि सोलर सिस्टम है कैसा, क्योंकि अभी हमने गैलेक्सी को देखा था। अब एक बार अगर सोलर सिस्टम में नज़र पड़ जाए तो फिर कुछ चीज़ें समझने में आसान हो जाती है, क्योंकि जो बातें हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं वो बातें कहीं ना कहीं ये डायग्राम्स बता देते हैं। तो एक बार स्टार्स देख लो, कि ये नेशनल ज्योग्राफी का चैनल है। Wow, wow, wow. We may seem different, but when we get together in celebrations, it's twice the joy of
twice the fun of tourist experiences. Bus. Which are designated as M, and up to the hottest stars, which are designated as like Firefly. ये स्टार को लेकर के एक लेक्चर डिटेल वीडियो है। समझने के लिए इतना सफिशिएंट है कि जो भी ये चमकदार स्टार्स बने हुए हैं, ये इनकी खुद की एनर्जी है, इनकी खुद की हीट है, हाइड्रोजन है इनमें, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिलकर के न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, नाभिक संलयन होता है, फिर वो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। और इस टाइप से ये पूरा आपने अभी लेक्चर में देखा, इसमें वीडियो में देखा, तो इस टाइप से बना रखा है ये। अब क्योंकि हमने देखा कि सारे जो चमकदार हैं पिंड ब्रह्मांड में, वो सब खगोलीय पिंड है, वो चमकते हैं, उनकी खुद की ऊष्मा होती है। जब थोड़ा आपका लेवल बड़ा होता है या फिर 11th क्लास पढ़ रहे होते हैं हम लोग अभी, तो 11th क्लास में हम देख रहे होते हैं कि एक बिग बैंग देखा था हमने कि बिग बैंग होता है, बिग बैंग के बाद एक विस्फोट हुआ, उसके बाद सब चीज़ें अपनी अपनी जगह स्टेबल हो गई। तो जो चीज़ें न्यूक्लियर फ्यूज़न हो सका, जिनमें नाभिक संलयन हो सका, उनकी खुद की एनर्जी डेवलप हो गई। जैसे यूँ मान लिया जाए कि बृहस्पति है, जुपिटर, सैटर्न, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये जो है सारे के सारे ये गैसियस हैं, इनकी सतह नहीं है, ये गैस है। लेकिन पृथ्वी हम लोग पैर रख सकते हैं, इस पर गैस नहीं है, मतलब उस टाइप की गैस नहीं है जुपिटर वगैरह इन पर है, ये सतह है इनके ऊपर, पथरीले ग्रह हैं ये। तो ये चीज़ दिखाई गई इसमें। तो आपको स्टार भी समझ में आ गया होगा कि स्टार किस टाइप से क्या है क्या नहीं है। इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो हाइड्रोजन दूसरे के पास में आते हैं, उसके बाद वो स्टार बनता है। अब ऐसे में ही ये जो एक बना हुआ है ना, ये इस टाइप से लिटिल बियर का पार्ट है, ये हिस्सा लिटिल बियर के अंदर, ये जो सप्तऋषि, जो ये 7 स्टार्स है, ये लिटिल बियर का पार्ट है। हर देश में अलग अलग इसके ऊपर कहानियां हैं। रोमन जो एम्पायर था उसमें इसकी अलग कहानियां थी, ईरान में इसकी कहानी अलग थी, भारत में इसके लिए कहानी अलग थी कि 7 ऋषि है, 7 ऋषि ऊपर जाके स्टार बन गए, इस टाइप से। अब इस चीज़ को बेटर तरीके से समझने के लिए एक बार सोलर सिस्टम देखना है हमें, कि सोलर सिस्टम का क्या है क्या नहीं है। क्योंकि सूर्य के बाद के बाकी ग्रह, क्योंकि आगे जा करके अपनी बुक में भी ये बताने वाले हैं, ये देखो ये सोलर सिस्टम आने वाला है यहाँ पर, तो क्यों ना इसका एक बार लेक्चर ही देख लिया जाए। कैसे, ये सूर्य है, बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शुद्ध ग्रह है, जुपिटर है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो इन सब की एक बार अपन अगर एक वीडियो ही देख लें तो और चीज़ें क्लियर हो जाती है इससे, है ना। Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, whirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster.
Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own sun. Revolving around the sun are eight planets. The planets are divided into two categories based on their composition, terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet, with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit, due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago, when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the four terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn, and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia. All four Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. So, ये चीज हम लोगों ने देख ली है कि जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम, इसको हमने देख ही लिया है कम्प्लीटली, क्या है क्या नहीं है। इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास आठ प्लैनेट्स हैं, और इन आठ प्लैनेट्स के अंदर फिलहाल तो जो जीवन है वो पृथ्वी पर ही है। और पृथ्वी के हिसाब से जब हम इस ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, इस यूनिवर्स को जब देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर निकल करके आती है। और उन बहुत सारी चीज़ों का जब हम जवाब चाहते हैं, तो हम सबसे पहले निकल के आते हैं निष्कर्ष पे कि ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी है। अब देखिए, हमारी जो गैलेक्सी है ना, इस गैलेक्सी का नाम है देवयानी। और इस देवयानी गैलेक्सी के दुग्ध मेखला में हम लोग रहते हैं, दुग्ध मेखला वाले हिस्से में। टोटल अगर बात करें तो हमारे पास अपना एक सूर्य है जिससे जीवन चल रहा है। आगे अगर हम बात करें तो फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगर बुध की बात करें तो इसका खुद का, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, जैसे हमारे पास हमारा एक सैटेलाइट है चंद्रमा। शुक्र के पास भी इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। मंगल के पास इसके खुद के दो सैटेलाइट है, दो उपग्रह हैं, ठीक है। ऐसे फिर अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति के पास करंट डेटा का हिसाब से तो 95 उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं। फिर बात करते हैं हम लोग शनि की, शनि के पास अपने 146 सैटेलाइट्स हैं। अरुण के पास 27, और जो लास्ट में है वरुण, उसके पास हैं 14 सैटेलाइट। ये करंट डेटा है अपना आज तक का। अब इनमें, इस पूरे में अगर इसके बारे में बात करें, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कितने सारे सूर्य हैं, कितने सारे तारे हैं इसके अंदर, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। हाल ही में एक वाइजर अभियान भेजा गया था हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से निकलता हुआ, जब ये पार चला गया तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को इसने एक डॉट के रूप में दिखाया, और एक अंदाजा कि 300 प्लस सूरज हैं इसमें,
सोचो इन 300 सूरज में 300 सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उन 300 सोलर सिस्टम की 300 पृथ्वियां होंगी, उन 300 पृथ्वियों के बराबर हमारी, उन 300 पृथ्वियों की जैसे ही हमारी एक पृथ्वी, जिसमें हम लोग रह के उछकते रहते हैं, ठीक है। तो ये अब ये हमारा ये सोलर सिस्टम, जिसमें हमने सन की बात कर ली, इसकी बात कर ली, लेकिन ये जो एक चीज़ है ये कहलाती है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड बेल्ट, देखिए अगर इस एस्टेरॉयड बेल्ट की बात करें ना, तो ये वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पे सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा करते रहते हैं। ये कोई कोई अपने पाथ से निकल जाते हैं, तो कभी कभी हमें सुना जाता है कि कोई एक क्षुद्र ग्रह एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन वो टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में जल उनके खाक हो जाता है, या फिर रास्ता चेंज होता है, या फिर कोई और चीज़ हो जाती है। ये चीज़ ये है आपके धूमकेतु उच्छल तारा मेटियोर्स। देखो ये है कुछ नहीं, ये गैस के बने हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि गैस का बना हुआ है पिंड, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। जब जब ये सूर्य के निकट आते हैं तो इनसे आग निकलती है पीछे की तरफ, ये गैस जलना चालू कर देती है, और हमें लगता है कि कोई तारा टूट के जा रहा है। वो यही चीज़ है ये इस टाइप का। अरे बात समझ में। तो ये थोड़ा मोटा मोटा डेटा। अब इसके अलावा वापस चैप्टर पे अगर चलें एक बार, तो घूम फिर करके वापस बात आ गई ध्रुव तारे पे। अब देखो ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारे पे भी बहुत सारी कहानियां हैं कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव नाम का बालक ध्रुव तारे के रूप में बन गया। देखो जब हम लोग इसको देखते हैं ना, ये शेप जो बनी हुई है चम्मच की शेप बनी हुई है इस टाइप से, ये चम्मच की शेप, तो इसमें निचले वाले दो हिस्से हैं, जब उसको मिला के देखते हैं उसके जस्ट सामने हमें ध्रुव तारा दिखता है। ध्रुव तारा क्या काम का है, ध्रुव तारा काम का ऐसे है कि मान लीजिए कि रात्रि में पहले के टाइम के हिसाब से अगर बात करें, ध्रुव तारे को काम में क्यों लेते थे, कोई ऐसा समय हो जब रास्ता भूल गए हो, तो ध्रुव तारा जो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है कि हाँ ये नॉर्थ है, तो अगर सामने नॉर्थ है तो पीछे साउथ है, तो ऑटोमेटिक ईस्ट और वेस्ट आ जाएगा निकल करके, सही है ना। तो ध्रुव तारा इस तरह से काम आता था। अब जो ध्रुव तारा है ये हमारे स्मॉल बियर में, मतलब एक भालू सी शेप, उस भालू सी शेप का हिस्सा है ये स्मॉल बियर में, ठीक है। तो कहने का मतलब स्मॉल नहीं, बिग बियर, सॉरी। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, कॉन्स्टलेशन। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि है, सप्त सात ऋषि संत, यह सात तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, ठीक है। फिर इसी में ध्रुव तारे की बात आ गई कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो नीचे की ये जो दो हैं इससे जब आप देखते हैं सीधा, तो इसके सीधे में बिल्कुल आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है। फिर आगे चलेंगे, ग्रह आप लोग जानते ही हो, अभी अच्छे से वीडियो देख लिया आपने कि सूर्य के चारों ओर जो डायरेक्टली रिवॉल्व करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट। उन ग्रह की जो परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह कहलाते हैं। ऐसे आगे चलें, ये डायग्राम पे हमने बात कर ली थी, फिलहाल सौर मंडल पे भी हमने बात कर ली है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया। सूर्य पे भी बात कर ली है कि पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है स्थित। ग्रह कितने हैं इनकी भी बात कर ली अपन ने, कि बुध गुरु शुक्र शनि ये सब इनकी बात कर ली अपन ने, और ऐसे करके 2006 में प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्लियर है। इसके बाद पृथ्वी की बात है, तो पृथ्वी को स्पेशली फोकस देके पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे लगता है यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, बाकी अगले लेक्चर के अंदर हम आपकी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।